हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जाफर सर ई क्लास। जाफर सर के ई क्लास JEC में आपका वेलकम है। आज हम इस वीडियो में वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ वन वोट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहें क्योंकि आपको इससे पूरे कॉन्टेस्ट की मालूमात मिले। इसे आप ज़रूर ज़रूर आखिरी तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करके आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन लेते रहें। तो चलिए आज हम ये वीडियो अब शुरू करते हैं। 25 जनवरी 2022 यानी 25 जनवरी 2022 से ये कॉन्टेस्ट शुरू है और इसकी लास्ट तारीख अब आ चुकी है 15 मार्च 2022। हाउ टू पार्टिसिपेट रूल रीड रूल्स। अब ये इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट होना है हम ये देखेंगे। अब हम सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप आपके क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर वोटर अवेयरनेस कॉन्टेस्ट टाइप करेंगे और जैसे ही हम उसे क्लिक करते हैं टाइप करके तो हम इस पेज पर इस तरह से आ जाते हैं जो आपको ये यहाँ पर डिस्प्ले पर नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इसे स्क्रॉल करके जाते हैं तो नीचे देखिए चूज़ अ कॉन्टेस्ट ऑफ योर चॉइस। तो सबसे पहले ही है क्विज कॉन्टेस्ट और देखिए इसमें लिखा हुआ है आर यू एन इंक्यूसिटिव माइंड गाइज योर वोटर अवेयरनेस क्वोशिएंट एंड टेल अस हाउ यू फेयर। और इसके नीचे है प्ले क्विज। इस पर जैसे ही हम प्ले क्विज करते हैं, प्ले क्विज करने के बाद हम ये क्विज कॉन्टेस्ट में रजिस्ट्रेशन के पेज पर चले जाते हैं। तो हम रूल्स एंड गाइडनेस ये पेज पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस आर ऑफ मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर जो है मल्टीपल चॉइस के यानी क्वेश्चंस होंगे 4, उसके जो है ऑप्शन होंगे उसे हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। क्वेश्चंस शैल बी रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस एंड लैंडमार्क इवेंट्स इन द डेमोक्रेटिक जर्नी ऑफ द कंट्री, इलेक्ट्रल रोल EVM एंड VVPAT, इलेक्शन लॉ इट अप्लीकेशंस ETC। यानी इसके अंदर जो है अपने इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको सवाल आएंगे, इसमें प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन आएंगे और उसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उसमें से एक को आपको क्लिक करना है। द टाइम ऑफ द क्विज विल स्टार्ट द मोमेंट यू क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट बटन। जैसे ही हम स्टार्ट टेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका टाइम शुरू हो जाता है। 20 क्वेश्चन आपको आएंगे वहाँ पर। अ पार्टिसिपेंट हैज टू आंसर एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन राइट इन ईच लेवल टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट। इसमें 3 लेवल है, हर लेवल में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन के आपको जो है करेक्ट आंसर देना है। द पार्टिसिपेंट्स शैल बी एबल टू चेक देयर स्कोर्स एंड सी हाउ दे फेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी लेवल। यानी हर लेवल का जब आप एग्ज़ाम जो टेस्ट है उसे सबमिट कर देते हैं हम, तो हम अपना स्कोर भी यानी कितना हुआ है, कितने हमें मार्क मिले हैं ये हमें पता चल सकता है। द पार्टिसिपेंट्स हु गेट्स द मैक्सिमम स्कोर इन मिनिमम शैल बी अवार्डेड एज द विनर। और जो भी यानी जिसको सबसे ज़्यादा मार्क मिलते हैं इसमें यानी पॉइंट्स लेते हैं वो, तो उन्हें जो है अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके बाद देखिए हम इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हमें यहाँ पर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होती है, हमारा नाम भरना है और मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और फिर हम रजिस्ट्रेशन पे यानी जाके क्लिक कर दिए तो ऐसा आता है थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड टू आवर पोर्टल, प्लीज़ वेट। अब ये जो है
वहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाता है। नीचे देखिए ये स्वीप दिया गया है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन, इस तरह का ही उसका फुल फॉर्म है। हम देखें आगे जो है, जैसे ही हम क्विज़ पे चले जाते हैं तो वहाँ आता है रेडी स्टडी क्विज़। अब यहाँ पर क्विज़ देना शुरू होता है। ड्यूरेशन देखिए, ये जो कॉन्टेस्ट जो है वो है 25 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था, 15 मार्च 2022 लेवल। देयर विल बी 3 लेवल्स ऑफ द कॉन्टेस्ट कैरिंग 20 क्वेश्चंस ईच। 3 लेवल है, हर लेवल में 20 सवाल हैं। लेवल 1 ईजी है, लेवल 2 इंटरमीडिएट है और लेवल 3 डिफ़िकल्ट है। और ये 20 क्वेश्चंस में से आपको 7 क्वेश्चंस करेक्ट देना है। हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चंस आंसर भी आने आपको बता रहे हैं, इसलिए इसे आखिरी तक देखते रहें और ये कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। देखिए अब जैसे ही हम स्टार्ट यानी क्विज पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा नाम आ जाता है। ऊपर थोड़ा हमारा पूरा फर्स्ट नेम है वो छुप गया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ हमारा मिडल और लास्ट नेम नज़र आ रहा है। उसके बाद योर क्विज कॉन्टेस्ट प्रोग्रेस, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किए थे, सबमिट कर दिए हैं लैंग्वेज। जब हम सबमिट कर देते हैं तो देखिए इस तरह से लेवल आ गए। यहाँ पर स्कोर देखिए 0-0-0 बता रहा है आउट ऑफ 20। और कितने आइटम में, अभी हमने आइटम शुरू ही नहीं किए हैं तो यहाँ पर 0-0 आ रहा है। जैसे ही हम शुरू कर देते हैं तो हम सबसे पहले लेवल पे आ जाते हैं। अब देखिए पहले लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पर। व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मली कंस्टिट्यूटेड, यानी कब से यानी शुरू हुआ इलेक्शन कमीशन। तो देखिए यहाँ पर हमारे से रॉन्ग हो गया था, ये हमने ऐसे ही यानी प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो इसका सही आंसर है जनवरी 25, 1950, यानी 25 जनवरी 1950। हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो वह है सुशील चंद्रा। उसके बाद देखिए व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन हेल्ड, यानी कब हुए, यानी पहला इलेक्शन यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्र भारत होने के बाद जो इलेक्शन हुए वो है 1951, यानी 1951 से 52 में जो इलेक्शन हुए वो पहली मर्तबा हुए भारत में। व्हाट इज़ द वोटर हेल्पलाइन नंबर, वोटर हेल्पलाइन का नंबर क्या है, तो वो है 1950, यानी 1950 में जो शुरू हुआ था वही उसे नंबर दिया गया है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NVSP, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल। उसके बाद है विच फॉर्म Do you need to fill to register as a voter in the electoral roll? यानी अब हम BLO हैं, हमें सबको पता है कि किसी भी नए वोटर का नाम वोटर लिस्ट में डालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया, यानी नेशनल वोटर डेज यानी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो है 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को। उसके बाद है हाउ मैनी लोकसभा जनरल इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड टिल डेट, यानी अभी तक कितने लोकसभा के इलेक्शन हो गए हैं भारत में, तो वो हो गए हैं 17। यहाँ पर 16 गलती से आ गया था इसलिए हमने जो है रॉन्ग किए है और आप जो है 17 पे जो है क्लिक करें, उसे टिक मार्क करें। तो इस तरह से यानी जो है 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको पहले सिर्फ बताने के लिए आधे ही क्वेश्चंस दिए हैं। अब इसके आगे जो है पूरे लेवल है और पूरे भी क्वेश्चन है, लेकिन अब उसके बाद जैसे ही हम सबमिट कर देते हैं पहला लेवल, तो देखिए हमने पहला लेवल सबमिट करने के बाद यूआर स्कोर 15 out of 20 ये ऐसा आ गया है, यानी मुझे 15 उसमें नंबर मिले थे, मेरे 15 जो है क्वेश्चंस के आंसर सही आए थे। और उसके बाद इस तरह से एक बैच आ जाता है कि कौन सा बैच है, सिल्वर, यानी हमने उसके अंदर सिल्वर बैच हासिल किए। उसके बाद सेकेंड लेवल का भी बैच आ गया था सिल्वर, उसमें भी हमने अच्छे नंबर लिए थे, देखिए 14 लिए थे इसमें, और 14 को भी जो है सिल्वर बैच का लेवल है।
लेवल सेकंड का। उसके बाद ये भी एन एस थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल जब में आ जाते हैं हम, तो उसमें भी हमें जो है सिल्वर का ही बैच मिला था। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही हम ये पेज पे आते हैं तो देखिए 15 out of 20 फर्स्ट लेवल में हमें मिले थे। अब यहाँ देखिए पूरे लेवल बता दिए हैं। हमारे पूरे लेवल होने के बाद जब ये हम देखें कि हमें कितना स्कोर मैंने मिला है, तो 15 है फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में है 14 और थर्ड लेवल में है 17। इस तरह से अब देखिए गेट योर सर्टिफिकेट, जैसे चाहे हम तीनों भी लेवल कंप्लीट कर देते हैं तो नीचे जो है गेट योर सर्टिफिकेट का यानी जो है टैब जो है एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही हम उसे क्लिक करते हैं तो हमें इस तरह से जो है एक शानदार और एक अच्छा सा सर्टिफिकेट यहाँ पर हमारा जनरेट हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसका मोनोग्राम दिया गया है अपने इलेक्शन का, और नीचे दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस सर्टिफिकेट इज़ प्राउडली प्रेजेंटेड टू मोहम्मद जाफर कासिम शेख फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग नेशनल वोटर अवेयरनेस क्विज कॉन्टेस्ट। ये सिर्फ BLO के लिए ही नहीं है, घर के दूसरे भी जो लोग अपने मेंबर्स हैं वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए देखिए अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कोई लेवल नंबर 2 का जो है, लेवल 2 का ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस हमने थर्ड लेवल तक दिए गए हैं आपको, यानी ये देखना है। नंबर 1 है इसमें, यू कैन एनरोल एज अ वोटर इफ़ यू क्वालिफाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, यानी कौन सी कंडीशंस पे आपको आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो इसमें जो है चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दी अबाव, यानी ये ऊपर की जितने भी कंडीशंस दी है वो तमाम कंडीशंस में यानी जो है आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप यानी इलेक्शन रोल में अपना नाम लगवा सकते हैं। मैं यानी पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो करेक्ट है वही हम पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाउ मेनी मेंबर्स डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्राइज ऑफ, यानी इलेक्शन कमीशन में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर और कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ हमारे से रॉन्ग हो गया था, 5 हो गया था, लेकिन वो है 3 मेंबर्स यानी होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलाकर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैन EVMs बी यूज्ड इन एन एरिया वेयर देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर EVM इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इस तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हमारा रॉन्ग हो गया था, इसलिए हमारा क्वेश्चन लेवल नंबर 2 में जो है सिर्फ 14 यानी क्वेश्चंस के आंसर सही आए हैं, 6 रॉन्ग हुए हुए हैं। तो ये 6 रॉन्ग कौन से हुए ये भी हमने पता करके आपको ये वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है यस, दे रन ऑन अ 6 volt अल्कलाइन बैटरी, यानी 6 volt अल्कलाइन बैटरी जो है उस पर ये रन करता है, चलती है EVM, तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी भी चल सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। 4 रॉन्ग हो गया था इसलिए हमने वह रॉन्ग बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर हाउ लॉन्ग कैन द कंट्रोल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन यानी EVMs सेव द रिजल्ट्स इन इट्स मेमोरी, उसके मेमोरी में यानी EVM के मेमोरी में रिजल्ट्स कब तक रह सकता है। तो देखिए हमने यहाँ 5 months करे थे, अंदाज़ा मुझे भी पता नहीं था इसलिए मैंने कर दिया था, लेकिन जब हमने इसका आंसर जानने की कोशिश करी, जब मुझे डाउट था, तो उसका आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1, 10 years एंड अबव, यानी 10 साल और उससे भी ज़्यादा यानी टाइम तक इसके अंदर जो है मेमोरी में ये सेव रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCC, ये भी हमारे से रॉन्ग हो गया था। हम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज ETPBS स्टैंड फॉर, ETPBS का यानी फुल फॉर्म क्या है। तो उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम,
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऐप कैन बी यूज्ड टू चेक वोटर टर्न आउट ऑफ इलेक्शंस, तो उसका है वोटर हेल्पलाइन ऐप, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज ECI नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 है वोटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ EVMs, EVMs का फीचर कौन सा नहीं, उसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है कैन बी एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 10, पोस्टल बैलेट फैसिलिटी एज एन ऑप्शन कैन बी अवेल्ड फॉर कास्टिंग वोट बाय विच कैटेगरी ऑफ वोटर्स, और उसका ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फॉर्म टू रजिस्टर एज ओवरसीज और NRI वोटर, उसका करेक्ट आंसर है फॉर्म 6A ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12, टू अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट वोटर्स विच इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वॉज स्टार्टेड इन इलेक्शंस आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन 1919, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनिक कलर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर्ड कम्स फ्रॉम इटालियन मीनिंग अ स्मॉल बॉल यूज्ड इन वोटिंग, तो ऑप्शन नंबर 2 बैलेट। नंबर 14, टू मेक करेक्शंस इन नेम डिटेल्स इन द इलेक्टोरल, यानी कौन सा यानी जो है फॉर्म हमें भरना पड़ता है करेक्शन के लिए, तो ये हमें सबको मालूम है फॉर्म नंबर 8 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, असेंबली इलेक्शंस टू विच ऑफ दीज स्टेट्स हैव नॉट बीन अनाउंस्ड इन जनवरी 2022, यानी 2022 में जनवरी 2022 में कहाँ के इलेक्शन नहीं है, तो उसका आंसर है झारखंड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमिक सीरीज ऑफ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी कौन सा कॉमिक सीरीज था यानी, तो उसमें है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव, यानी वह इलेक्शन वह चलो करें मतदान और चुनाव की कहानियाँ ये सब उसमें था। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर कंपेनिंग बाय कैंडिडेट्स बिफोर इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस कब तक यानी जो है यानी कंपेन कर सकते हैं प्रचार कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन नंबर 3 है 48 आवर्स बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पोल। 18 क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ लोकसभा लोअर हाउस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, यानी कितना टर्म होता है लोकसभा का, तो 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैगशिप इंटरवेंशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका आंसर है नंबर 4 इलेक्शन ट्रेंड मॉनिटर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए लेवल 2 का, क्वेश्चन नंबर 20, विच फैसिलिटी डज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट प्रोवाइड, तो क्वेश्चन नंबर उसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है चेक द पार्टी योर फ्रेंड वोटर फॉर। अब देखिए नीचे सबमिट का बटन है, इसमें हम सबमिट कर देते हैं तो हमारा ये लेवल के आंसर्स जो है सबमिट हो जाते हैं। उसके बाद देखिए लेवल नंबर 1 का हम यानी यहाँ पर आंसर्स दे रहे हैं, तो आप इसे यानी खुद देखिए पढ़िए और इसे टिक कीजिए, अपने एक नोटबुक पे भी लिख सकते हैं आप। और इस तरह से देखिए यहाँ पर टाइमिंग आ गया था 9:47 बाकी, यानी 10 मिनट का आपको इसमें हर लेवल को टाइम दिया जाता है।
मैं अब खाली बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं मैं, यानी आप इसे देखकर समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6, 7, 8 दिया गया है, यहाँ है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये सबमिट है, सबमिट कर देंगे, लेवल नंबर 1 हो जाता है। अब लेवल नंबर 1 होने के बाद जो है देखिए इस तरह का है, वन और टू के हमने बताए हैं, थ्री के रह गए हैं, तो आपको जो है इस तरह से कंप्लीट करना है और आपको एक अच्छा सा सर्टिफिकेट आ जाएगा और अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस इस तरह का आ जाता है और आपको फिर पूरे यानी इस कोर्स होने के बाद नीचे सर्टिफिकेट आता है और सर्टिफिकेट का टैब आता है, उसे आप क्लिक करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इसे आप अच्छी तरह से समझें, इससे फ़ायदा उठाएं, दूसरों तक यानी इसे पहुँचाए और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हो और दूसरों को भी कराए। एक ही दिन बचा हुआ है कल का, कल का इसका लास्ट डे है। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।